नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के इस खास पेशकश CGPSC मेंस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ खुशबू साहू। 7 मार्च को आप सभी के समक्ष पेपर नंबर 6 का जो पार्ट 3 है, सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, उसका टॉपिक जो है पर्व एवं त्यौहार, मेले, महोत्सव, आभूषण और परंपराएं से संबंधित क्वेश्चन रखा गया था। टोटल 6 प्रश्न थे और इसका आंसर कैसा होना चाहिए, किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का आप लोगों को ध्यान रखना है, वो आज की वीडियो में हम डील करने जा रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आप सभी बहुत ही अच्छे से आंसर लिख रहे हैं। धीरे धीरे करके आप लोग की जो आंसर राइटिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। जैसा कि आकाश सर अपने वीडियो में बताते हैं आप लोगों को कि 3 पिलर्स ऑफ आंसर राइटिंग आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो कंटेंट है वो सटीक होना चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपको वही लिखना है, आपका लैंग्वेज कैसा होना चाहिए जैसे उन्होंने बताया है, और आपका जो प्रेजेंटेशन है बहुत यूनिक होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसे हमेशा ध्यान रखिएगा और अपने आंसर को लिखिएगा। तो जो इस टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन है, गुइया से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुइया। तो देखिए, ये जो गुइया शब्द है इसे आप सखी भी कह सकते हैं और गुइया भी कह सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 30 वर्ड्स में लिखना है। तो 30 वर्ड्स मतलब कि 3 लाइन में आपको अपना आंसर ख़त्म करना है। और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आप क्या समझते हैं, मतलब आपकी समझ में जो भी कुछ है आपको इसके बारे में लिखना है। तो पहले आप स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट आप ऐसे करेंगे कि गुइया अर्थात सखी या गुइया बिलासपुर के आसपास के क्षेत्रों में ये प्रचलित है। जब 2 महिलाओं के विचार आपस में मिलते हैं तो किसी पर्व में या फिर रामायण कथा सुनाकर, ये जो दोनों महिलाएं होती है वो मैत्री का संबंध स्थापित करती है। ठीक, जब ये गुइया बन जाती है या फिर लोगों के बीच क्या होता है, गुइया बढ़ते हैं बोलते हैं ना, तो जब ये गुइया बन जाते हैं तो क्या होता है कि इनके जो दो परिवार होते हैं इनके बीच खान पान का संबंध होता है और ये एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। तो आपको इतना ही लिखना है 30 वर्ड्स में, बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या क्या बताया कि गुइया अर्थात सखी या गुइया बिलासपुर या उसके आसपास के क्षेत्रों में, देखिए कहाँ की बात चल रही है ना, बिलासपुर या फिर उसके आसपास के क्षेत्रों में ये प्रचलित है। आसपास के क्षेत्र मतलब जांजगीर चांपा हो गया, कोरबा हो गया, तो यहाँ पर ये प्रचलित है। यहाँ पर होता क्या है कि जब 2 महिलाओं के विचार आपस में मिलते हैं तो ये जो दोनों महिलाएं होती है ये क्या करती है, मैत्री संबंध स्थापित करती है। और इसको स्थापित करने के लिए कोई अवसर होना चाहिए, तो वो अवसर कौन सा होता है, कोई भी पर्व हो सकता है या फिर क्या करते हैं कि रामायण कथा का ये आयोजन करते हैं और वहाँ पर अपना मैत्री संबंध स्थापित करते हैं। जब ये मैत्री संबंध स्थापित हो जाता है तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, गुइया होती है, सखी होती हैं। और ये सखी बनने के बाद ये जो इनके दोनों परिवार के लोग होते हैं, ये लोगों के बीच में खान पान का संबंध होता है और ये लोग एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। तो आपको इतना अपने आंसर में बताना है, इतना सफिशियंट है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, गोदना स्त्रियों का प्रिय आभूषण है, स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन टैटू इज़ द फेवरेट ज्वेलरी ऑफ वुमेन। तो देखिए, यहाँ पर आपको स्पष्ट करने के लिए बोला गया है, एक सेंटेंस दिया गया है और उसे आपको स्पष्ट करना है कि गोदना जो है वो स्त्रियों का प्रिय आभूषण है। कौन सी स्त्रियों का, जनजाति स्त्रियों का, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 30 वर्ड्स में लिखना है। तो ये जो स्पष्टीकरण है ना, ये आपको करना है। आपको वहाँ पर नहीं जाना है कि गोदना क्या होता है, गोदने की क्या विशेषताएं होती है, आपको यहाँ पर नहीं जाना है। आपको यहाँ पर ये नहीं बताना है कि काली या नीली स्याही से सुई के माध्यम से त्वचा पर उकेरी गई जो विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ होती है उसे गोदना कहते हैं। आपको यहाँ पर नहीं जाना है। आपको क्या बताना है कि ये जो गोदना है, मतलब कि जो एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ रहा है उसको पता है कि आपको गोदना के बारे में पता है कि गोदना क्या होता है। वो ये पूछ रहा है कि गोदना जो है वो स्त्रियों का प्रिय आभूषण है, ये आप कैसे बताओगे, कैसे स्पष्ट करोगे। तो यहाँ पर आपको उसका आंसर लिखना है। ठीक, तो आते हैं आंसर पे। तो आप पहले बताएंगे कि जो जनजातियाँ स्त्रियाँ होती है ये उनका प्रिय आभूषण है। जनजातियों में ये उनके लोक संस्कार और धर्माचार के अंतर्गत आता है, मतलब कि ये लोग इसे अपना लोक संस्कार मानते हैं, फोक रिचुअल के अंतर्गत आता है। मतलब कि जितनी भी स्त्रियां होती है, 5 वर्ष की आयु से लेकर 12 वर्ष की आयु तक की जितनी भी स्त्रियां होती है, इस आयु वर्ग में, इस ड्यूरेशन में वो क्या करती हैं, अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर गोदना गुदवाती है। ठीक है, इनकी ऐसी मान्यता है कि इनके बिना जो भी जनजाति महिला होती है उनका जीवन जो है वो अपूर्ण है। इवन ऐसा भी होता है, इनकी ऐसी भी मान्यता है कि अगर कोई स्त्री गोदना नहीं गुदवाई तो मृत्यु के बाद जब वो यमलोक में जाएगी
तो जो भगवान है वो सबल से उनके शरीर को क्या करेंगे, गोदेंगे। तो इस प्रकार से इनकी बहुत सारी मान्यताएं हैं इससे रिलेटेड, और इन सारी मान्यताओं को आप देखें तो सार यही निकल के आता है कि जितनी भी स्त्रियां होती हैं वो अपने शरीर पे गोदना गुदवाती है, अलग अलग मान्यताएं जो है वो मानती है, और ये उनका प्रमुख आभूषण होता है। मतलब कि और कोई ऑर्नामेंट हो या ना हो इनके शरीर में, ये तो ज़रूर होता है, और ये इसे क्या मानती हैं, आभूषण मानती है। तो ये तो समझाने का तरीका हो गया, लेकिन 30 वर्ड्स में आपको लिखना क्या है, तो आपको इतना लिखना है कि जनजाति अंचल में जो स्त्रियां होती है ये इनका प्रिय आभूषण होता है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है। जो ये तो जनजातियाँ होती है, जनजाति महिलाएं होती है, ये इसे लोक संस्कार और धर्माचार मानती है। 5 वर्ष की आयु से लेकर 12 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं जो होती है वो अपने शरीर में विभिन्न प्रकार के आकृतियों की गोदना गुदवाती है। इनका ऐसा मानना है कि गोदना के बिना इनका जीवन अपूर्ण है, और अगर ये गोदना नहीं गुदवाई तो मृत्यु के बाद जब ये यमलोक जाएंगी तो जो ईश्वर है वो सबल से इनके शरीर को क्या करेंगे, गो देंगे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर 30 वर्ड्स में लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दियारी तिहार पर प्रकाश डालिए, हाईलाइट द दियारी तिहार। तो देखिए ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 60 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है। तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे कि जहाँ जब मैदानी क्षेत्रों में दीपावली का पर्व मनाया जाता है, तब बस्तर अंचल में दियारी तिहार मनाया जाता है। इस प्रकार से ये बस्तर अंचल में जो जनजातियाँ निवास करती हैं उनका दीपावली होता है, जिसे ये क्या कहते हैं, दियारी कहते हैं। लेकिन मैंने अवसर की बात की, पर्टिकुलर डेट की बात नहीं की है। मतलब कि जब यहाँ पर दीपावली का पर्व होता है कार्तिक अमावस्या के दिन, तो ज़रूरी नहीं कि उसी पर्टिकुलर डेट में ही नीचे दियारी हो। दियारी तिहार कब मनाना है, इसके आयोजन के लिए पूरे गांव के मुखिया लोगों की मीटिंग होती है, और वहाँ का जो पुजारी होता है वो डिसाइड करता है कि दियारी का तिहार कब मनाया जाएगा। कब का मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, डेट की बात कर रही हूँ, लेकिन अवसर कौन सा होता है, दीपावली का अवसर होता है, तभी के आसपास का टाइम होता है जब बस्तर अंचल में दियारी का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक, तो पहले आप क्या बताएंगे कि ये कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, दीपावली के अवसर पर बस्तर अंचल में दियारी तिहार मनाया जाता है। ये जो दियारी तिहार होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, फिर हम ये बताएंगे। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो भी पशु होते हैं, जो भी जो उनके कृषि में उनका सहयोग दिया होते हैं, उनको ये धन्यवाद अर्पित करने के लिए, और जो नई फसल आई रहती है उसकी पूजा करने के लिए इस फेस्टिवल को ये लोग मनाते हैं। ठीक है, तो ये 3 दिनों का होता है ये जो तिहार होता है, और क्या क्या होता है उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि जो पहला दिन होता है उस दिन खड़ी फसल की कलियों का नारायण देव के साथ विवाह किया जाता है। चूंकि जनजाति अंचल में ऐसा मानना है कि खेतों में जो खड़ी फसल होती है, जो कलियाँ होती है, वो उनके लिए लक्ष्मी का रूप होती है, तो इसलिए ये क्या करते हैं कि उसी कलियों का विवाह जो किससे कर देते हैं, नारायण देव से करते हैं। उसके बाद शाम के टाइम पे चरवाहों के घर जाते हैं और उन्हें सेल्फी अर्पित करते हैं, और उनके गौशाला में जाकर जो बैल होते हैं उनको सन की बनी हुई रस्सी से बांधते हैं। तो इस प्रकार से पहला दिन 3 आयोजन किया जाता है। दूसरे दिन बैलों की पूजा की जाती है, बैलों को खिचड़ी खिलाया जाता है, और जो तीसरा दिन होता है उस दिन गोठान की पूजा की जाती है। गोठान क्या होता है, जहाँ पर जब चरवाहा जो होता है वो गाय को बैलों को जब वो चराने के लिए लेकर जाता है, तो उस पर्टिकुलर किसी एरिए में जहाँ पर गाय और बैल जो है विश्राम करते उसे क्या कहा जाता है, गोठान कहा जाता है, तो उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो दियारी तिहार है वो मनाया जाता है। आपको इस पर प्रकाश डालना है, मतलब कि आप जो भी कुछ जानते हैं इसके बारे में आपको बताना है 60 वर्ड्स में। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि दियारी का पर्व जो है वो बस्तर अंचल में जनजातियों के द्वारा दीपावली के अवसर पर मनाया जाता है, इसे बस्तर में दियारी कहते हैं। ये जो फोकस्ड होता है वो किस पे होता है, पशुओं पे और फसल पे फोकस्ड होता है। ठीक है, मतलब कि जो अच्छी फसल आई रहती है उसकी पूजा करने के लिए, और जितने उनके पशु होते हैं उनको धन्यवाद अर्पित करने के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। फिर जो जो आयोजन होता है उसको आप लाइन से बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 60 वर्ड्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, करसाड़ पर्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन करसाड़ फेस्टिवल।
तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 60 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। जब भी आप इसका आंसर लिखेंगे तो आपके मन में 3-4 सवाल होने चाहिए, और यदि इन सवालों के जवाब आपको पता है, मतलब कि आप इसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, बहुत ही सटीक वे में लिख सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन क्या क्या होने चाहिए आपके मन में, तो पहला ये कि किसके द्वारा मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इसे मनाने का मेन उद्देश्य क्या है, और क्या होता है इस पर्व में। अगर इन 4 सवालों का जवाब आपके पास है, मतलब कि आप इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए, ये जो करसाड़ का पर्व है, ये अबू जमाड़े जनजाति के द्वारा माटी तिहार के बाद, माटी तिहार कब मनाया जाता है, चैत्र के माह में मनाया जाता है, तो माटी तिहार के बाद गर्मी से लेकर वर्षा ऋतु के बीच में मनाया जाता है। ठीक, तो 2 सवालों का जवाब तो यहीं पर मिल गया हमें कि ये किसके द्वारा, अबू जमाड़े जनजाति के द्वारा। कब, तो गर्मी से लेकर वर्षा ऋतु के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। तीसरा और चौथा सवाल है हमारे मन में कि इसका मेन उद्देश्य क्या है इसे मनाने का। तो एक्चुअली ये सोशल गैदरिंग होता है, यहाँ पर दंडामी माड़े जनजाति के लोग और दोरला जनजाति के लोग भी सम्मिलित होते हैं। इस दिन स्पेशली गोत्री देव की पूजा की जाती है। अच्छी फसल की कामना के लिए अबू जमाड़े जनजाति के लोग जो होते हैं वो अपने गोत्रदेव की पूजा करते हैं, और इस दिन नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है। इस दिन होता क्या है कि विवाह संबंध स्थापित करने के लिए जो ये लोग होते हैं, ये अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो मैंने 4 WH की बात की थी, क्या क्या था वो, किसके द्वारा मनाया जाता है, तो किसके द्वारा मनाया जाता है, अबू जमाड़िया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु से लेकर वर्षा ऋतु के मध्य में इसका आयोजन जो है वो किया जाता है। ठीक, मेन उद्देश्य क्या होता है, अच्छी फसल के कामना के लिए ये लोग गोत्रीय देव की पूजा करते हैं, और इस दिन जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। ठीक, और होता क्या है, ये एक्चुअली सोशल गैदरिंग है ना, तो इस दिन नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है। जितने भी महिला और पुरुष होते हैं, ये लोग अर्धवृत्त में या पूरे गोले में क्या करते हैं, डांस करते हैं, और उसी समय क्या होता है कि ये लोग अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। तो इस प्रकार से 60 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गोवर्धन पूजा के महत्व को बताइए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ गोवर्धन पूजा इन छत्तीसगढ़। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। तो देखिए, जो भी आपका आंसर होगा वो किस पे ध्यान आकर्षित करेगा कि छत्तीसगढ़ में इस पर्व का महत्व क्या है, आपको इम्पोर्टेंस बताना है। आपका पूरा आंसर जो है इम्पोर्टेंस पे केंद्रित होना चाहिए। तो कैसे फॉर्म होना चाहिए इसका आंसर देखते हैं। पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि गोवर्धन पूजा कब मनाया जाता है। तो गोवर्धन पूजा ये जो पर्व है, ये दिवाली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। देखिए, गोवर्धन शब्द में ही इस पर्व का जो मेन उद्देश्य है वो छुपा हुआ है। गोवर्धन अर्थात गोधन, मतलब कि इस दिन गोधन की पूजा की जाती है। और गोधन किसे कहा जाता है, गाय को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हम आगे देखते हैं। तो भारतीय संस्कृति में गौ प्रेम को शो करता है ये जो पर्व होता है, वो गाय के प्रति जो असीम श्रद्धा होती है उसे प्रकट करने के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। क्या होता है उस दिन देखते हैं कि देखिए, मैंने क्या कहा था, गोधन की पूजा की जाती है। ये जो गाय है वो माता लक्ष्मी के प्रतीक होती है। जैसे माँ लक्ष्मी जो होती है वो शांति और समृद्धि की प्रतीक होती है, वो शांति और समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार जो गाय होती है वो अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है हमें। ये बहुत ही पवित्र मानी जाती है, जैसे कि नदियों में गंगा पवित्र होती है वैसे ही ये पवित्र मानी जाती है। तो इस दिन इनकी पूजा की जाती है। इस दिन जितने भी ग्रामवासी होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, गाय और बैलों की पूजा करते हैं, विशेष प्रकार के गोबर की आकृतियाँ बनाते हैं और उसे गाय और बैलों के खुर से कुचलवाया जाता है। फिर वो जो गोबर होता है उसका तिलक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इस पर्व को मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, आपने अभी क्या क्या बताया इस आंसर में, आपने ये बताया कि ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, और कैसे मनाया जाता है। कैसे कैसे बताया आपने इसका आंसर, कब मनाया जाता है, तो दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो गाय के प्रति असीम श्रद्धा प्रकट करने के लिए, गौ प्रेम को शो करता है।
और क्या कह सकते हैं, गोधन की पूजा की जाती है, ठीक है। और कैसे कैसे मनाया जाता है इसके बारे में हमने देख लिया कि इनकी पूजा की जाती है विशेष प्रकार के गोबर की आकृतियाँ बनाकर, जो गाय और बैल होते हैं उनके खुर से इसको कुचलवाया जाता है, फिर वो जो गोबर होता है उसका तिलक लगाया जाता है। सभी लोग जो होते हैं वो यहाँ पर सम्मिलित होकर इस पर्व को मनाते हैं, तो इस प्रकार से इस पर्व को मनाया जाता है। अब महत्व पे आते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि छत्तीसगढ़ में 80% जो जनसंख्या है वो कृषि या कृषि से आधारित जो उद्योग होते हैं, कृषि पर आधारित जो उद्योग होते हैं उस पर निर्भर करती है, ठीक है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर क्या हैं, किसान हैं, ठीक। तो महत्व यहाँ पर इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये लोग कृषि करते हैं, और जब किसान जब कृषि करते हैं तो इसमें हेल्प कौन करता है, तो बैल करते हैं, जो गाय हमारी जिसे हम अपनी माता मानते हैं इसका ये लोग क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो इस प्रकार से इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली छत्तीसगढ़ में। और इसका एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं कि राज्य सरकार के कृषि विकास और किसान कल्याण विभाग के द्वारा जो सुराजी गाँव योजना चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत जितने भी गोठानों की स्थापना की गई है, जितने भी गोठान तैयार किए गए हैं, वहां गोवर्धन पूजा के दिन क्या मनाया जा रहा है, गोठान दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। तो आप अपने आंसर में इसे शामिल कर सकते हैं कि गोवर्धन पूजा के दिन जो सुराजी गांव योजना के तहत जितने भी गोठान बनाए जा रहे हैं वहाँ पर गोठान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ भी क्या कर रहे हैं, इन गोठानों में ये जो जितने भी बैल हैं, गाय हैं, इनकी पूजा की जा रही है, इनकी अर्चना की जा रही है और इनसे सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। तो इस प्रकार से गोठान दिवस मनाया जा रहा है। गोठान दिवस मनाने के लिए गोठान समिति का गठन किया गया है जो कि ये पूरे कार्यक्रम का कार्यभार संभालेंगे। तो इस प्रकार से इसका इम्पोर्टेंस देखिए छत्तीसगढ़ में कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है गोवर्धन पूजा का, कि एक तो ये कृषि प्रधान राज्य है जहाँ पर जो मैक्सिमम लोग हैं वो कृषि पर आधारित है या कृषि से संबंधित उद्योग पर आधारित है, तो ये लोग इनके जीवन पे पशुओं का तो इनके जीवन में गाय और बैल का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जा रहा है। और राज्य सरकार भी इसमें अपना इम्पोर्टेंस रोल प्ले कर रही है, यहाँ पर गोठान दिवस मनाया जा रहा है इस दिन। तो इस प्रकार से आप इसके इम्पोर्टेंस को लिख सकते हैं अपने आंसर में 100 शब्दों में। अगर आप अपने आंसर में गोठान दिवस के बारे में बताएंगे तो इसका वेटेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, कहीं कहीं पर ऐसा भी होगा कि गोवर्धन पूजा का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने अपनी चीनी उंगली पर 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा था, तो इसलिए तब से ऐसा हुआ कि गोवर्धन पूजा का ये जो पर्व है ये मनाया जाता है। इस दिन अन्नकूट का उत्सव भी मनाया जाता है। कई लोग ये सब भी लिखने वाले हैं, लेकिन ये सब लिख के आप अपना स्पेस जो है, आप अपने वर्ड्स जो हैं वो ऐसे ज़ाया मत कीजिए। मैं कहना चाहूँगी कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो अपने आंसर में लिखिए, जो इम्प्रेसिव है वो अपने आंसर में लिखिए। देखिए ये करंट का टॉपिक भी है, तो जब भी आप अपना आंसर लिखते हैं तो ध्यान रखिए कि वो करंट से कैसे जुड़ सकता है। अभी ऐसी कोई घटना घटी है क्या अभी आसपास के समय में इससे संबंधित, पहले आप ये भी सोचिए और अपने आंसर में उसे समाहित करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका वेटेज बढ़ जाता है और जो भी जांच करता है उनका ध्यान जो है पर्टिकुलर आपके आंसर पर आकर्षित होगा, केंद्रित होगा। तो इस प्रकार से आप अपना आंसर जो है थोड़ा अलग बना सकते हैं और आपके जो मार्क्स हैं वो बाकियों से आपको थोड़े बेहतर मिल सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मेले यहाँ के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विविधताओं के अपूर्व संगम है, व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फेयर इन छत्तीसगढ़ इज अ यूनिक कॉन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस वेरिएशन हियर। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 15 मार्क्स का है और आपको 175 वर्ड्स मिलने वाले हैं इसे लिखने के लिए, मतलब कि आपके पास भरपूर स्पेस है अपने आप को व्यक्त करने के लिए। लेकिन जब आप लिखेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, आपको इस बात पे ध्यान देना है। और जब भी आप आंसर लिखेंगे तो सिस्टमेटिक वे पे लिखा होना चाहिए। जो आप पहला सेंटेंस लिख रहे हैं वो जो सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस से कनेक्टेड होना चाहिए। एक स्टोरी के फॉर्म पे आपको लिखना है, कुछ भी आगे पीछे नहीं लिखना है, एक सिस्टमेटिक वे पे लिखना है। और इस बात का ध्यान रखें कि जब भी जो जांच करता है वो आपके इस आंसर को देखे तो उसे देखते साथ समझ में आ जाना चाहिए कि आपने लिखा क्या है और आप क्या बताना चाह रहे हैं।
आप चाहे पैराग्राफ के फॉर्म में लिखे, फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखे, सब हेडिंग्स डाल के लिखे, आपको जैसा लिखना है आप लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है ये भी आप ध्यान में रखते हुए लिखिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन किस डायरेक्शन में लिखने के लिए बोल रहा है, तो थोड़ा उसे आप फॉलो कीजिए और अपने आंसर को लिखिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है और हमें उसकी व्याख्या करनी है। तो ये सेंटेंस क्या है, छत्तीसगढ़ में मेले यहाँ के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मतलब कि इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और रिलीजियस जो वेरिएशन है, विविधता है, ठीक है, उसका अपूर्व संगम है। क्या मेला, उसकी हमें व्याख्या करना है, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ जब भी छत्तीसगढ़ में मेले का आयोजन किया जाता है तो यहाँ के जितने भी लोग होते हैं उनकी संस्कृति और आस्था का ये अभिन्न अंग है, ठीक है। मतलब कि यहाँ का जो भी मेला होता है वो उनके कल्चर से रिलेटेड है और उनकी मान्यताओं से रिलेटेड है, उनके फेथ से रिलेटेड है, बहुत सारे विश्वास हैं उनके अंदर इस मेले से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको पहले अब ये इसी सेंटेंस को आपको जस्टिफाई करना है, तो आपको स्टार्ट भी यहीं से करना पड़ेगा कि यहाँ के जितने भी लोग हैं जहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में मेलों का आयोजन किया जाता है और ये जो मेलों का आयोजन होता है वो क्या है, यहाँ के लोगों के संस्कृति और आस्था का अभिन्न अंग है, बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी होती है उस पर्टिकुलर एरिया लोगों की उस मेले के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें चार पहलुओं को ध्यान में रख के इस सेंटेंस को बनाया गया है। वो चार पहलू कौन कौन से हैं, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक। तो देखिए सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि ये जो फेयर है, ये जो मेला है, इसमें ये सारे पहलुओं को समाहित करके इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। क्या होता है ये मेला, जब एक स्थान पर बहुत सारे लोग जो हैं वो आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या फिर किसी अन्य कारण से एकत्र होते हैं तो वहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में मेलों की बात करें तो जब फसल की कटाई मिंजाई हो चुकी रहती है दिसंबर के माह में, जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का माह है उस समय यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में मेले होते हैं वो आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं के अपूर्व संगम है। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से विविधताएँ देखी जाती है और इन विविधताओं के साथ यहाँ मेले लगते हैं और इन विविधताओं के साथ यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है और यही हमें क्या करना है, इसकी व्याख्या करना है, ठीक है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि मेले में कैसे आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू समाहित होते हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें विविधताएं कैसी पाई जाती है। तो समाहित कैसे होते हैं, एक जो मेला होता है वहाँ पर आपको क्या क्या देखने मिलता है, आप इमेजिन कीजिए जब आप किसी मेले पे जाते हैं तो आप क्या क्या देखते हैं। तो आप देखते हैं कि उस मेले पे बहुत सारी दुकानें लगी होती है, बहुत सारे मनोरंजन के साधन होते हैं। आपने देखा होगा कि लोग जो होते हैं व्यापार के दृष्टिकोण से वहाँ आए रहते हैं, अपनी दुकानें लगाते हैं, चाहे वो दुकान श्रृंगार के हो, चाहे वो कपड़े के हो, चाहे वो किसी भी आर्ट के हो, बहुत सारे वहाँ पर दुकान लगे होते हैं। मनोरंजन के साधन का मतलब क्या हुआ, वहाँ पर झूलों का आयोजन किया जाता है, झूले लगे होते हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार से वहाँ पर दुकान और झूलों का आयोजन किया जाता है, मनोरंजन के साधन होते हैं, जो कि क्या है, मेले का व्यापारिक पहलू है, ठीक है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो यहाँ पर दुकानें लगी होती है, मनोरंजन के साधन होते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की गैदरिंग होती है, ठीक है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो आप जब किसी मेले में जाते हैं, स्पेशली जो ग्रामीण अंचल का मेला होता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि देवी देवताओं की वहाँ पूजा की जाती है। और अगर हम नीचे बस्तर के क्षेत्र में जाएं तो जो मड़ई का आयोजन होता है वो तो स्पेशली उसका जो महत्व है वो धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर गांव-गांव से जो देवी देवता होते हैं उनके मंडप आता है और वहाँ उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। सांस्कृतिक रूप से देखें तो वहाँ पर उनकी संस्कृति जो है वो छलकती है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, उस पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर एरिया होता है, जो अंचल होता है, वहाँ पर जो उनकी संस्कृति होती है, वहाँ पर जो उनका कल्चर होता है, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे नृत्य के आयोजन किए जाते हैं, गीत के आयोजन किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मेले में जहाँ पर उस मेले का आयोजन किया गया है वहाँ की संस्कृति भी समाहित होती है। तो पहले आप बताएंगे कि जो मेला है
उसमें क्या क्या चीज़ें समाहित होती है, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुएं जो होती हैं वो समाहित होती है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि मेला किसे कहते हैं, हमने ये देखा कि छत्तीसगढ़ में कब मेले का आयोजन किया जाता है, फिर हमने ये जाना कि ये जो मेला होता है इसमें ये जो आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष हैं वो किस प्रकार से समाहित होती है, क्या है ऐसा मेले में कि हम ये कह रहे हैं कि ये सारे पक्ष जो होते हैं वो मेले में समाहित होते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे क्वेश्चन का जो सेंटेंस है कि विविधताएं पाई जाती है, विविधताओं का अपूर्व संगम होता है। एक्चुअली ये जो सेंटेंस है वो यही कहना चाह रहा है कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पे मेले का आयोजन किया जाता है। अगर हम दक्षिण दिशा में जाते हैं, बस्तर अंचल में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ मड़ई का आयोजन किया जाता है। मड़ई मेले का एक छोटा रूप होता है। मड़ई का मतलब होता है देवी का स्थापना स्थल। एक्चुअली ये जो मड़ई मेला होता है वो बाहरी तौर पर अन्य मेलों की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें जो जनजातीय संस्कृति और धार्मिकता होती है उनका अपूर्व संगम देखने के लिए मिलता है। मतलब कि व्यापारिक दृष्टिकोण से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन लोगों के लिए। जब भी फसल की कटाई मिंजाई हो चुकी रहती है तो दिसंबर माह के बाद जो जनवरी माह स्टार्ट होता है वहाँ से मड़ई का आयोजन स्टार्ट होता है। बस्तर अंचल में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देवी की स्तुति में इन मड़ई का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम जब नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि मड़ई का आयोजन किया जाता है और उस मड़ई में क्या किया जाता है। जो आसपास के गांव के लोग होते हैं वहाँ से वो लोग जो होते हैं अपने देवी देवताओं को लेकर आते हैं। यहाँ पर ये जो स्थापना स्थल लिखा है ना, मड़ई जो का मतलब क्या होता है, देवी का स्थापना स्थल, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह पे उनकी स्थापना की जाती है, उसे ही मड़ई कहा जाता है। वहाँ पर ये देवी उनकी पूजा करते हैं। इसमें अंगादेव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अंगादेव की स्तुति की जाती है, उनकी पूजा की जाती है और उनकी स्तुति में एबाल तो नृत्य किया जाता है और विभिन्न प्रकार के मनोरंजन होते हैं। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे चमत्कारिक दृश्य आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि किसी के जो खड़ाऊ होते हैं, मतलब किसी के जो चप्पल होते हैं वो कांटों के हैं, तो कोई कांटों से भरे कुर्सी में बैठा हुआ है, तो कहीं पर आप देखेंगे कि कोई जलती हुई बाती को निगल रहा है, तो कोई अपने आप को कांटेदार सोटे से मार रहा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो ये मड़ाई होता है ये इनके मिथकीय महत्व को आस्थापूर्वक उजागर कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मड़ई में देखने के लिए मिलेगा। पूजा का आयोजन किया जाता है, धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है मड़ई का। तो आप जांजगीर चांपा जिले में जाएंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि जांजगीर चांपा जिले में रामनामी मेले का आयोजन किया जाता है। ये जो रामनामी मेला है ये रामनामी समुदाय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। आप वहाँ पर जितने भी लोग होंगे रामनामी समुदाय के, आप देखेंगे कि इनके पूरे शरीर में राम नाम का टैटू होता है और ये भी धार्मिकता को बहुत ज़्यादा शो करता है। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि जांजगीर चांपा में जहाँ पर रामनामी मेले का आयोजन किया जाता है वहाँ पर जो मेले का आयोजन होता है, होता तो मेला ही होता है, लेकिन इनकी मान्यताएं इतनी अलग अलग होती है कि हम जब उसे ही दूसरे मेले के साथ कंपेयर करते हैं तो हमको पता चलता है कि इनमें तो बहुत ज़्यादा विविधताएँ पाई जा रही है। जब हम राजिम के मेले में आते हैं तो राजिम के मेले में हमको अलग ही दृश्य देखने के लिए मिलता है। वहाँ पर कुलेश्वर देव का मंदिर है, लोग पूजा करने जाते हैं, वहाँ पर मनोरंजन के बहुत सारे साधन होते हैं, व्यापारिक केंद्र होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो कुंभ के मेले के समान दिख रहा है। तो जो रामनामी समुदाय का मेला है वो उसका दृश्य अलग है। जितने भी रामनामी समुदाय के लोग हैं वहाँ पर उस मेले का आयोजन करते हैं वो उनके धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। तो नीचे हम देखते हैं तो मड़ई एक अलग ही दृश्य बनाए रखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम जब यहाँ के मेलों को देखते हैं, अलग अलग स्थानों के मेले को देखते हैं, अगर हम नवरात्रि की बात करें तो जो नवरात्रि के अवसर पर, चाहे डोंगरगढ़ के मेले की बात करें या फिर हम चंद्रपुर के मेले की बात करें, तो जब नवरात्रि में 9 दिन तक जब यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है तो यहाँ के मेलों में अलग ही हमें दृश्य देखने के लिए मिलता है। महाशिवरात्रि का जो मेला होता है उसमें अलग सा दृश्य देखने के लिए मिलता है। तो कई मेले में ऐसा होता है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है तो किसी मेले में धार्मिकता पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्थानों पे अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार इन सभी आधार पर विविधताएं देखने के लिए मिलती है।
यही कहना चाह रहा है जो हमारा क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में जो मेले होते हैं वो यहाँ की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं का अपूर्व संगम है। तो इस प्रकार से आपको 175 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है। एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ की पॉइंट्स कि आपको लिखना क्या है। तो आपको पहले बताना है कि मेला क्या होता है, फिर आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि इसका आयोजन कब कब किया जाता है, फिर आपको ये बताना है कि मेले में ये जितने भी पक्ष हैं वो किस प्रकार से समाहित होते हैं, फिर आपको ये बताना है कि विविधताएँ कैसी पाई जाती है। तो आप कोई नॉर्थ एरिया का मेला ले लेंगे, मैदानी क्षेत्र का मेला ले लेंगे, मड़ई जो होता है उसके बारे में आप कुछ बता देंगे। तो इस प्रकार से आप अलग अलग एरिया के जो मेले होते हैं उसे वहाँ पर रखेंगे और बताएंगे कि इनमें विविधताएँ कैसी पाई जाती, कैसे ये अलग अलग होते हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है पर्व एवं त्यौहार, मेले, महोत्सव, प्रमुख आभूषण एवं परंपराएं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। और जो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कहीं ना कहीं ये करंट के टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ पर रखी। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि इतनी जानकारी जो है एग्ज़ाम निकालने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो आप हमारा मोबाइल कोर्स ले सकते हैं। मोबाइल कोर्स में आपको पूरे डिटेल वे में पढ़ाया जाएगा, इसे जितने भी टॉपिक हैं उसमें जो भी कंटेंट आना चाहिए और जो इसके सब टॉपिक्स हो सकते हैं सबको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन वे में पढ़ाया गया है। तो आप हमारा मोबाइल कोर्स ले सकते हैं हमारे वेबसाइट में जाके। और ऐसे स्टूडेंट जो डिस्कशन कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं, मैं कहना चाहूंगी कि वो जाके डिस्कशन कम्युनिटी से जुड़े, वहां पर अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, क्योंकि पढ़ लेने भर से एग्जाम क्लियर नहीं होता। आपको मैं बोलना चाहूंगी कि एग्जाम क्लियर करने के लिए परफॉर्मेंस कैसा है आपका, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन उस जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में यदि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपके उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं रह जाता। और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो परफॉर्मेंस कैसा भी हो, वो परफॉर्मेंस चाहे आपके खेल का हो, चाहे डांस का हो, चाहे एग्ज़ाम का हो, कोई सा भी परफॉर्मेंस हो, अगर आपको परफॉर्म अच्छा करना है तो आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको आंसर लिखना चाहिए क्वेश्चंस के, और उसका एनालिसिस भी करना चाहिए कि इस पर्टिकुलर आंसर में क्या कमी है और इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला है कि आप अपनी कमी भी ढूंढ सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स के आंसर को देखकर, और उसमें सुधार भी कर सकते हैं वो बाकी स्टूडेंट्स के आंसर को देखकर। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, CGPSC मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, डिस्कशन कम्युनिटी जाकर जुड़िए, और आपको बहुत डिटेल वे में पढ़ना है तो मोबाइल कोर्स आप ले सकते हैं। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।